हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करंट अफेयर क्लास। ये पहला क्लास है करंट अफेयर के ऊपर 2019 बैच के लिए। ना 2019 का जो बैच है उसके लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि हम पूरा साल यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर की क्लासेस करेंगे। अगर करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस को समझें तो लगभग 60-70% क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं वो करंट अफेयर के साथ रिलेट करते हैं। इसीलिए करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हर एक टॉपिक के जो करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा उसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी रहता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टॉपिक का, कि टॉपिक पहले तो किस पेपर के साथ रिलेटेड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली उसका मेन इशू क्या है, क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है टॉपिक का, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब अगर आपको कुछ भी क्लासेस में समझ नहीं आ रहेगा तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं। बट एक चीज़ करना ना भूले, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगे कि क्वालिटी अच्छा है इन क्लासेस का तो इन क्लासेस को शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस है पॉलिसी के, मतलब कि इस पॉलिसी को डिटेल में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, 2018 को लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम। 2018 मार्च को नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है 2018 में, एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसको लॉन्च किया है पहली बार। अभी ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कितने सालों के लिए है, ये 3 सालों का मिशन है। 3 सालों में इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी नहीं रहती है। पहला प्रॉब्लम जो है हिंदुस्तान के बच्चों को वो है स्टंटिंग का प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टंटिंग का क्या मतलब है कि उनकी हाइट छोटी है हिंदुस्तान के बच्चों की, क्योंकि उनका पोषण अच्छे तरह नहीं है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को पोषण अभियान भी बोलते हैं हिंदी में। तो स्टंटिंग को पहले तो हमने कैटर करना है कि स्टंटिंग जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे ना रहे, जो उनकी हाइट प्रॉपर रहे। सेकेंडली चाइल्ड वेस्टिंग का बहुत बड़ा इशू है हिंदुस्तान में। अभी चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब है, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है उनका वेट प्रॉपर नहीं है, वेट ज़्यादा नहीं है, वेट कम है, हाइट छोटी है। तो ये दो प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इनको कैटर करने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया 3 सालों के लिए। 3 सालों में गवर्नमेंट 9,000 करोड़ रुपया इस स्कीम के ऊपर खर्च करेगी। अभी ये किस तरह से स्कीम के ऊपर खर्च किया जाएगा, 3 साल का टारगेट है, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। पहले साल में कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दूसरे साल में इस स्कीम को ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा दिया जाएगा, तीसरे साल में हिंदुस्तान के 650 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 650 डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, इसके करेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा स्कीम है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में देता है, पहले तो ये इम्पोज नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करेगी डिस्ट्रिक्ट्स को कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही जैसा स्कीम चलाया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है और उनमें जो रहने वाले बच्चे हैं उनकी जो हेल्थ की स्थिति है वो अलग तरह की है। कुछ जिलों में जो बच्चे हैं उनको अनीमिया है, मतलब अनीमिया का क्या मतलब है कि उनको खून की कमी है, तो उनको अलग तरह की खुराक चाहिए होगी, अलग तरह का पोषण चाहिए होगा। कुछ जिलों में बच्चों को आयोडीन की प्रॉब्लम है, कुछ जिलों में बच्चों को विटामिन ए की प्रॉब्लम है। तो ये अलाउ कर दिया गया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर कि जिस तरह भी चाहे डिस्ट्रिक्ट जो अपना होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को किस तरह का पोषण चाहिए। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है इस स्कीम के अंडर। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है कि ये पोषण देगा कौन, इस पोषण को देने के लिए आपके पास हेल्थ के जो पर्सोनल है, पर्सोनल क्या होता है, कर्मचारी, जो हेल्थ के कर्मचारी हैं गांव लेवल में जाके, क्योंकि गांव में क्या है,
अगर हम देखें, विलेजेस में अगर हम देखें तो डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं कौन देता है? हेल्थ की सुविधा देने के लिए आपके पास है आंगनवाड़ी वर्कर्स, AWW बोलते हैं उनको, और आपके पास है आशा, एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इन दोनों के हाथ में टैबलेट देगी सरकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटलाइजेशन कर दिया है पूरा लोअर लेवल का इस स्कीम ने, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इस टैबलेट में भरेंगे कि उनके जो विलेज में कितने लोगों, कितने बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित का क्या मतलब है? कुपोषित का मतलब है कि उनके पास प्रॉपर पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है उनके पास। तो टैबलेट में उन लोगों के बारे में भरेंगे, ये भी भरेंगे कि उनको कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो रियल टाइम जो सरकार है, सेंटर पे बैठी हुई सरकार है, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है कितने बच्चे छोटे रह गए हैं, कितने बच्चे कमज़ोर हैं और उनकी कमज़ोरी को कैसे दूर करना है, तो डायरेक्टली डील कर। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक है कि लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्व कराया जा रहा है, लोग जन आंदोलन अलाउ किया गया है इसमें। जन आंदोलन का क्या मतलब है? कि लोग आगे खुद बता सकते हैं कि हमारे गाँव में इतने लोगों के पास न्यूट्रिशन नहीं है, इतने बच्चों के पास न्यूट्रिशन नहीं है और ये कमज़ोर है, इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो उन बच्चों को भी डील किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। मींस जो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट है, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, वो हो जाएगा। नो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स प्ले करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम, देखिए बहुत सारे मंत्रालय हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय एक अलग से मंत्रालय है, एग्रीकल्चर का मंत्रालय अलग से है, MHRD अलग से है। अब किसी ना किसी मंत्रालय का कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्कीम जो है न्यूट्रिशन में चल रहा होता है। अभी सारी जितनी भी मंत्रालय हैं उनको कन्वर्जेंस की ओर लेके आ रहे हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कन्वर्जेंस हो रहा है सभी मंत्रालयों का। कन्वर्जेंस होगा मतलब क्या है? कि कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन होगा सभी मंत्रालयों का, कि आपस में आप तालमेल बना के रखिए और अपना जो टारगेट है कि स्टंटिंग को कम करना है और वेस्टिंग को कम करना है। अभी मेंस में जब आप इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, हेल्थ के ऊपर अगर आपको कोई भी आएगा क्वेश्चन आएगा उसमें एक सेंटेंस जरूर लिख के आइएगा। अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने ये सेंटेंस एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है। सेंटेंस क्या है? कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ में तो जो आउटपुट आपको इसमें से मिलेगा वो $16 का आउटपुट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 1, 2, 3, देखिए सोशल इश्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीनों पेपर में मेंशन है, कहीं पे भी हेल्थ का इशू आ सकता है आपको। तो अभी हमने फाइट क्या करना है? स्टंटिंग को, वेस्टिंग को, और बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपका मोटापा कितना है, कितना आपके बॉडी मास है, मसल कितना है आप में। तो दैट वो सब कुछ कैटर करेंगे हम हेल्थ में। तो ये आज के लिए क्लास, एक रो हर रोज एक क्लास लेके आएंगे हम आपके लिए 2019 मेंस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।